यशोमती मैया के नंदलाला। जब से कान्हा का जन्म हुआ है ना, मैं तब से देख रही हूँ, तब से हम पे कोई भी संकट आती है ना, तो अचानक से कोई अपरिचित हमारी सहायता करने आ जाता है, और जाते समय कान्हा की आज्ञा लेके जाते हैं, और कभी कभी तो इसे प्रभु बोल के जाते हैं। बाबा संभालो। यशोदा, इस जानकी को चढ़ो है और विचित्र विचार तुम्हारे मन में आ रहे। अरे सब जानते हैं कि हमारा परिवार राजसी, तुम्हें पता ना चलते होगा, पर हमारे कान्हा को सब राजकुमार ही समझते हैं देखकर। इसीलिए उसे सम्मान देने के लिए सब ऐसा ही करते हैं, और कोई बात ना है। अब जे मेरे लल्ला को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बुरी दृष्टि लगाएंगे क्या? वैद्यराज जी, आपके सहायक तो गए, अब आप भी, आप यहाँ क्यों हो? वो क्या है ना, मैं अपने रोगी का निरीक्षण करके पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही जाता हूँ। हाँ, संकेत तो अच्छे हैं, कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धन्यवाद वैद्य जी। बस तो फिर हम कल पकड़ पकड़ाई खेलेंगे जानकी। भानु, बंसी, जाकर उस क्षेत्र के चारों ओर बाड़ बनवा दो और वहां सूचना पट भी लगा देना, ताकि जानकी के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। शीघ्र जाओ। जी ठीक है। सूचना पट लगवाने से समस्या का समाधान नहीं होगा बाबा। निर्दोष पशु सूचना पट देख कर भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि व्योमासुर मारा जा चुका है, और वो बालक, वो बालक अब भी जीवित है। हाँ महाराज, मैंने गोप बालकों को कहते सुना था कि कृष्ण ने छलिया को मोक्ष दे दिया है, पर वृंदावन सुरक्षित नहीं है महाराज, वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कैसी समस्या? गांव के निकट क्षेत्र में किसी विषैले सर्प का निवास है, उसके विष का प्रभाव इतना भयानक है महाराज, जैसे विष ना हो स्वयं हलाहल हो। मेरी कोई भी औषधि रोगी का उपचार नहीं कर पा रही थी। निकट के क्षेत्र में कहां कहां है वो सर्प? गोप मानते हैं कि वो सर्प गांव के निकट यमुना नदी के जल में रहता है। मुझे तो लगता है महाराज, ये कालिया नाग की कथा कोई किंवदंती या लोकश्रुति नहीं, एक सच्चाई है, एक विषैली सच्चाई। का सामना करने का समय आ गया है, पर उससे पहले मुझे बुलाना होगा उन्हें। संसार के दारुण भय का नाश करने वाले, सभी कष्टों का हरण करने वाले, विश्व का समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, कमल जैसे लोचन मुख और चरणों वाले आजानुभूत श्री राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कागपुसोंडी कागपुसोंडी कागपुसोंडी। प्रभु क्षमा करें, मुझे जाना होगा। प्रणाम प्रभु।
अनेक बार मैं आपके दर्शनों के लिए आया प्रभु, कभी नंद भवन के झरोखों से आपके दर्शन करके चला जाता था, तो कभी दूर किसी वृक्ष की आड़ से आपको निहार लिया करता था। आज आपने स्वयं मुझे बुलाकर धन्य कर दिया प्रभु। मैंने आपको यहाँ एक विशेष कारण से बुलाया है। आपके श्राप से इस कायना को मुक्त करने का समय आ गया है। ये तो बहुत ही उत्तम समाचार है प्रभु। इतने वर्ष बीत गए, मुझे आज भी स्मरण है वो दिन जब मैंने उन्हें श्राप दिया था। अपने क्रोध पर नियंत्रण खोकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी मैंने प्रभु। बीती हुई घटनाओं पर दुखी होके कोई लाभ नहीं है। हमें भविष्य की ओर देखना होगा। आदेश कीजिए प्रभु, क्या आज्ञा है आपकी? जब मैं कालिया नाग का सामना करने जाऊं, तो आप यहीं रहेगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कब क्या करना है। और हाँ, लौटते जाते समय नारद मुनि से कहेगा, वो आकर मुझसे भेंट करे। अवश्य प्रभु, प्रणाम। क्या इसने सच्ची में देवर्षि नारद को बुलाया है? नारायण नारायण, आपको संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं थी, आप स्मरण करते और मैं चला आता। तुम्हारा कल्याण हो नारद। मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। आज्ञा दीजिए प्रभु। तुम्हें एक बात फिर कंच से भेंट करनी होगी। विचार कीजिए महाराज, क्या आप बिना किसी शंका के कह सकते हैं कि कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आठवीं? उस दुष्ट से भेंट करना स्वयं कीचड़ में उतरने के समान है प्रभु। कमल पुष्प प्राप्त करना हो तो कीचड़ में उतरना पड़ता है नारद। आपका आदेश तो मैं स्वप्न में भी नहीं टाल सकता प्रभु। कंस कालिया नाग के बारे में जान गया है, पर वो उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाएगा। मैं आतुर हूँ प्राप्ति, मूर्ख नहीं, मेरी बुद्धि फिर नहीं गई है। मैं स्वयं उस कालिया जैसे महाविषैले सर्प के सामने खड़ा हो जाऊं और अपने ही काल को आमंत्रित कर लूं। तो फिर अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करने का कोई और उपाय सोचिए स्वामी। कुछ ऐसा कीजिए कि यमुना नदी का पूरा जल विषैला हो जाए और वृंदावन वासी उसका उपयोग करें, और आपका काल कहलाने वाला वो बालक स्वयं काल के गाल में चला जाए। उत्तम उत्तम सुझाव है प्राप्ति। अब मुझे उस कालिया तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना होगा, उसको विवश करने का कोई उपाय ढूंढना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उससे भेंट करना असंभव है, असंभव। आप सही कह रहे हैं प्रभु, कंस में उतना सामर्थ्य नहीं कि वो कालिया नाग का सामना स्वयं कर सके। वैसे तो कालिया गरुड़ देव का भी सम्मान नहीं करता, तो फिर वो कंस का सम्मान क्यों करेगा भला? नहीं करेगा, पर कंस तुम्हारा सम्मान अवश्य करेगा। नारद तुम्हारी बातें भी सुनेगा और मानेगा भी, ये मेरी योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तुम कंस के पास जाओ और कहो कि संतान अपने माता पिता को तीर्थ का सौभाग्य दिलाती, पर मेरा लल्ला कितना महान कि उसने हमारे घर को ही तीर्थ बना दिया। ऐसा तीर्थ जहां मेरी आंखों के सामने भक्त
और भगवान का मिलन हो रो है। जो आज्ञा प्रभु। बाबा कान्हा, ये सब क्या चल रहा है? पहले काक भुसुंडी जी और फिर जी नारद जी, क्या योजना बना रहे हो तुम? कान्हा बता ना, लल्ला क्या सोच रहे तू? कान्हा देख, अगर तुझे अपने बाबा को ना बताना हो ना, अपने भक्त को बता दे। क्या सोच रहे हो लल्ला, क्या करने वाले हो आप? आप इतने दुखी क्यों हो कान्हा? कान्हा क्या होगो? क्योंकि मुझे आभास हो गया है बाबा, समय आने वाला है। कौन सा समय आने वाला है लल्ला? शीघ्र ही सब कुछ बदलने वाला है। भैया को मेरा सत्य पता चल जाएगा बाबा। पर लल्ला, इसका काक भुसुंडी और खालिया नाक से क्या संबंध? ऐसा क्या हुआ था और क्या होने वाला है? जो होने वाला है बाबा, उसका संबंध उससे है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। महर्षि गुरुगु के एक वंशज थे, वे थीरामुनि, जो विंध्याचल की पहाड़ियों में साधना कर रहे थे। तभी वहाँ अश्वशीरा नाम के एक दूसरे मुनि आमंत्रण के बिना ही आ गए। कितना सुंदर और शांतिपूर्ण आश्रम है, यहाँ प्रभु की साधना करने में बहुत आनंद आएगा। शीघ्र ही अश्वशीरा मुनि उपस्थिति के कारण होने वाले व्यवधान से बाध्य होकर वेद थीरा मुनि ने अपनी आंखें खोली। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आपके आश्रम में बहुत शांति है मुनिवर, साधना करने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है ये। मैं चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ। आप यहाँ साधना करना चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं जानते कि किसी के आश्रम में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। आप ये भी नहीं जानते कि यदि कोई यज्ञ कर रहा हो तो बिना अनुमति के वहाँ प्रवेश करने से उसकी यज्ञ साधना भंग हो सकती है। आप क्या साधना करेंगे मुनि? आप तो साधना के योग्य ही नहीं है। इतना अपमान, एक मुनि के मुख से इतने कड़वे शब्द शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जितनी विषैली तुम्हारी जिभ्या है उतने ही विषैले सर्प बन जाओ तुम। और ऐसा सर्प जो सांस भी ले तो निकट का वातावरण दूषित हो जाए। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी क्षण कौवा बन जाओ, और ऐसा कौवा जो काँव काँव करके अनर्गल प्रलाप करता रहे। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? क्रोध के कारण दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। पर दोनों ही मेरे भक्त हैं, और भगवान होकर मैं अपने भक्तों को इतनी कठिनाई में कैसे देख सकता था? इसीलिए जिस संकट में उन दोनों ने अपने आप को फंसा लिया था, उसका समाधान करने में मैं उनके पास गया। देखिए ना प्रभु, ये क्या हो गया हमसे? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, मार्ग दिखाइए हमें। क्रोध पर नियंत्रण ना होने के कारण आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही भीषण संकट में डाल दिया है। अब दोनों ही तपस्वी, तप के बल से दिए गए आपके श्राप को लौटाना भी संभव नहीं है। प्रभु कोई तो उपाय होगा, हम आपके शरण में हैं प्रभु। अपराध तो हमसे हुआ है प्रभु,
पर अब आपसे ही आशा है। कुछ ऐसा कीजिए भक्त वत्सल, जिससे हम दोनों के श्राप का प्रभाव कुछ कम हो जाए। आप दोनों ही मेरे भक्त हैं, इसलिए आपकी पीड़ा का निवारण करने का एक उपाय है मेरे पास। वेद शिरामुनि, जब आप कालिया नाग बनेंगे तो आपको मेरे चरणों को अपने शीश पर धारण करने का सौभाग्य मिलेगा। और अश्र शिरामुनि, आप काग योनि होने के बाद भी आप श्रेष्ठतम ज्ञान और सर्वाधिक यौगिक सिद्धियों के स्वामी होंगे और प्रवचन दिया करेंगे। इसके बाद अश्व शिरा मुनि काक भुसुंडी बन गए, जिन्होंने आगे चलकर सेम गरुड़ देव को रामन सुराई, और मुनि वेद शिरा नरसिंह कश्यप और देवी कत्रियो के पुत्र कालियानाग बनकर जल में। अरे वही कालियानाग जमराज में, जिनके कारण जानकी के प्राण लगभग चले ही गए थे। अब कालियानाग को उचित स्थान पर भेजने का समय आ गया है बाबा। पर ये तो अच्छी बात है कान, वेद शिरा मुनि को दिया हुआ तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा, जमुना जी की शुद्धि भी हो जाएगी। इस सब के बाद भी तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि इसके बाद मैया के सामने मेरा रहस्य खुल जाएगा बाबा। उन्हें पता चल जाएगा कि उनका बालक कोई साधारण बालक ना है, विश्व में जो होने वालों है उसे सबके सामने घटने से रोकना मेरे लिए भी संभव ना होगा। मैया को सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा रे मुझे? यही कि सबसे अधिक प्रेम मैं आपसे ही करता हूँ। अब बस भी कर, चलो भोजन के लिए बुलाने आई थी तुम दोनों को, भूखा थोड़े ना रहने दूंगी अपने लल्ला को। मेरा लल्ला दुर्बल हो जाएगा ना। आप खिलाओगे तो ही खाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं ही खिलाऊंगी। अब चल आओ जी, चल। मैया खेलो ना मेरे साथ। मैया सुनो ना, मेरी बात ना मानोगी? अभी बहुत कार्य पड़े लल्ला, देख जानकी को औषधि भी देने जानो है ना। औषधि मैं दे दूंगा, फिर तो खेलोगी ना मेरे साथ। पिछले कुछ दिनों से अपनी मैया का अधिक से अधिक प्रेम पाने का प्रयास करो है काना। इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है कि कछु बहुत बड़ो होने वालों है। कान्हा रुक जा लल्ला। कान्हा क्यों तंग कर रहे, मैया को पहन लेना। कान्हा कान्हा, ये क्या करो तूने? अच्छा ठीक है, अब मुंह लटकाने की आवश्यकता ना है। ये ले। को खिजाए खेले रूठे मनाए, लीला अनोखी करके शरारत कान्हा दंड भी पाए। रूठना मनाना, खेलना खिलाना, पहले शरारत करके क्रोध दिलाना और फिर क्षमा मांग लेना, ये सब
जानबूझकर कर रहे है कान, जैसे जीवन भर के लिए अपनी मैया की ममता को अपने हृदय में समेट कर रखना चाहते हो। कैसे कैसे करूं उस कालिया से मित्रता, कैसे करूं उसका उपयोग? उस पर आक्रमण कर देता हूं और उसे किसी ना किसी तरह से यह विश्वास दिला देता हूं कि ये आक्रमण उस विष्णु अवतार ने किया है। फिर वो क्रोध में आकर सारे वृंदावन वासियों को अपने विष से समाप्त कर देगा। उचित है, ये उचित है। नारायण हरि, नारायण हरि।